आमचे परम मित्र श्री श्रीकांत कंझरलावार यांच्यावर 15 दिवसांपूर्वी काही समाजकंटकांनी घाड हल्ला केला, प्राणघातक हल्ला केला आणि त्यानंतर ते अतिशय गंभीर जखमी झाले आणि गेल्या 15 दिवसापासून त्यांनी यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद येथे त्यांचा उपचार चालू होता। पण आज दुर्दैवाने ते जे मृत्यूशी झुंज देत होते अखेर ते त्याच्यामध्ये मृत्यूशी झुंज देता येता हरलेत आणि आज त्यांचं दुःखद निधन झालं। पण जाता जाता हे पुण्याचं कर्म म्हणून त्यांच्या नातेवाईकांच्या संमतीने आमच्या मित्रांचं शरीरातील सर्व अवयवांचं खास करून फुफ्फुस, हृदय, किडनी, लिव्हर आणि दोन डोळे ह्याचं ते अवयवदान त्यांनी आज केलेलं आहे, ज्यांच्यामुळे इतर काही जे गरजू रुग्ण असतील त्यांना सुद्धा ह्या की नाही अवयवदानाचा फायदा होईल आणि त्यांना एक नवीन संजीवनी मिळेल। जाता जाता त्यांनी कमीत कमी 5 ते 6 जणांना जीवदान दिले हे अतिशय पुण्याचं कर्म त्यांनी केलेलं आहे। धन्यवाद सर। शिवराज चाड़ावर यहाँ के जो समाज के अध्यक्ष है, तो ये जो भयाड़ हल्ला हुआ, परम मित्र हमारे दोस्त है जो कंचलावार इनके ऊपर 15 दिन पहले जो जमीन 16 दिन तो हाँ 12-12-22 को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज उनका निधन हो गया है और बहुत अफसोस की बात है, पूरा गांव अफसोस कर रहा है और उन गम में डूबा हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या निवेदन दिए समाज की तरफ से और इन आरोपियों को कैसी सजा होना चाहिए इसके बारे में बताइए आप। जो भी हुआ श्रीकांत के ऊपर वो बहुत बड़ा अन्याय का ये हुआ है, उनके ऊपर प्राणघात हल्ला, और ये किसके भी ऊपर होना नहीं, सब व्यापारी लोग हैं और उसके जो आरोपी है तत्काल अटक होके उनको फांसी की सजा होना चाहिए। और आज भी किनवट हमारे समाज के तरफ से बंद है, कल पूरे समाज के तरफ से किनवट पूरा व्यापारी संगठन की तरफ से पूरा बंद है और पुलिस प्रशासन सोते हुए अभी भी जागे वाली नहीं है। पुलिस प्रशासन की भी बदलाव होने चाहिए, यहाँ खुलेआम सब अवैध धंधे चालू है किनवट के अंदर, वो भी बंद होना चाहिए। किनवट के ऊपर कोई लीडर का अंकुश नहीं है और कोई वारस भी नहीं है किनवट के लिए, यही इतना ही बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू।